जिसके पास चैन नहीं है वो पूरी जिंदगी बेचैन रहेगा, क्योंकि चैन किस किस ने बनाई है मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस ने चैन बनाता है, टाटा चैन बनाता है, बाटा चैन बनाता है, आज प्रफुल्ल एक लड़का है एमबीए चाय वाला, उसने भी चैन बनाई है। चाय की जितनी भी फ्रेंचाइजी चलती है ये क्या है? चैन। ये चैन है, करेक्ट। वर्ल्ड में जिस इंसान ने अपने बिजनेस को पाइपलाइन में डाल दिया यानी चैन में डाल दिया, उसकी जिंदगी हमेशा चैन में रहती है। करेक्ट, सही बोल रहे हो। जिस इंसान के पास चैन नहीं होती, जैसे कुछ लोग हैं जो अपना रोज का काम करते हैं, कमा के लाते हैं, महीने में सैलरी मिलती है, कमा के लाते हैं, उनकी कोई चैन नहीं है, वो अकेले काम करते हैं, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल काम करना, मतलब एक्टिव इनकम करना। लेकिन चैन का मतलब होता है असली पैसिव इनकम कमाना। करेक्ट। बात रही टोपी की, तो ये टोपी जो है डायरेक्ट सेलिंग की, ये तीन चीजों से बचाती है आपको, सर्दी गर्मी और बरसात। सर्दी गर्मी और बरसात किसके लिए बने हैं? गरीब इंसानों के लिए। मैं भी जब इस टोपी को नहीं पहनता था तो हीरो होंडा पैशन पर चलता था, गर्मी में गर्मी लगती थी, सर्दी में सर्दी लगती थी और बरसात में भीगता था। लेकिन जब से मैंने इस टोपी को पहना है, एसलीपीएस वेलनेस की डायरेक्ट सेलिंग की टोपी को पहना है दोस्तों, 3 साल पहन के रखा, 3 साल के बाद घर एसी, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, होटल एसी, मुझे तो ऐसा लगता है मैं भी एसी हूं। सही बोल रहे हो, सही है। तो यदि ऐसी टोपी पहन करके जिंदगी बदल सकती है तो मैं तो चाहूंगा हर व्यक्ति को पहननी चाहिए। क्योंकि दोस्त यही एक ऐसी टोपी है जो आपको दुनिया की गरीबी से बचाती है। बाकी तो लोग झूठ की फंसाने वाली टोपियां पहनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर ऐसी टोपी पहनी आई जाती है कि यदि पहनी रखी उतारी नहीं, कुछ लोग क्या ना जल्दी फेंक देते उतार देते हैं। यदि सही तरह से पहन के रखा तो मैं गारंटी देता हूं ये आपके पूरे खानदान की गरीबी बीमारी सबको धो देती। अच्छा मुझे सर वो बात याद आ गई, जब अपने आर्मी वाली, आर्मी में जब हम जेएनके में पोस्टिंग थे जम्मू कश्मीर में, तो उग्रवाद के डर से हमने माथे पे हेलमेट लगाते थे जी, तो कई बार हमारे साथ थी हेलमेट उतार देते थे, तो कहीं ना कहीं सामने से गोली आती थी, हेलमेट उतारते और कई बार हादसा भी हो जाते थे, किसी गोली लग जाती। तो जब हेलमेट लगा के रखते थे, मतलब वो फौज वाला हेलमेट बोलते थे, तो गोली से बचाव हो जाता था जी। तो वही सेम मुझे यहाँ लग रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस की टोपी पहन ली तो शायद ये बेरोजगारी की जो गोली है इसे लाइफ में बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में सभी लोग इसी बात को, जितने बड़े स्पीकर हैं, बड़े लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं, भाई बेचना सीख ले। कुछ भी बेच, तू रेडी बेच, चाय बेच, सामान, बेचना सीख ले। बेच, बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा। बिना बेचे आप बड़े नहीं बन सकते। करेक्ट सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये बात मुझे आज भी बार बार मुझे याद आती है। मैं जब 2009 में डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो बेचने की बात मुझे समझाई गई थी उस टाइम पे, 2009 के अंदर। उस टाइम पे पार्ट टाइम मरता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि भाई अगर बेचना आता है ना तो इंसान शाप भी बेच सकता है। शाप बिल्कुल बेचता है। तो बोला शाप का लोग क्या करेंगे? अरे बोला कुछ नहीं करेंगे, शाप खरीदेंगे और पड़ोसी घर में जाकर छोड़ देंगे। तो लोग तो पड़ोसी मिलते हैं तो पड़ोसी घर में छोड़ने काम आ जाएगा, लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे। लोग बेचने वाले चाहिए। तो सर इसी साथ में एक और आती है बात, बाकी आपको हमारे पता है कितने कष्ट झेले हैं, कितनी कठिनाइयां झेली है, कहां कहां से लोग गुजरे हैं। पर आज हम किससे बात करते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, अरे सर आप इसलिए ज्यादा बोल रहे हो कि आप तो पहले पहले जुड़ गए, यानी फर्स्ट में आपको आने में इंट्री मिल गई इस कंपनी के अंदर, तो आप बड़े बन गए, हमें देखो हम कितनी परेशानी झेल रहे हैं जी। तो उनके लिए आपको क्या संदेश है सर, जो लोग बोलते हैं पहले आने से बड़े बन जाते हैं? देखो दिलीप सर, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वही बात हो गई कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो बाप नहीं बनेगा क्या? 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी हैं। उस टाइम मोदी जी कहीं हो सकता है चाय बेच रहे हूं। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग पहले किसी सिस्टम में आते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम साधन नहीं होते, अचीवमेंट नहीं होती। जैसे मान लो मैं उस टाइम काम करने आया था तो जिसके भी पास जाओ उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, कब कंपनी आई है, 1 महीना हुआ, अरे भाग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, राइट, सही बोल रहे हो, सही है। बिल्कुल ऐसा, बेटा तू डॉक्टर है क्या? हाँ हाँ, कोई खा के मर जाएगा है, अच्छी खासी नौकरी है तेरी, सरकारी नौकरी है, क्यों उस चक्कर में पड़ा हुआ है? करेक्ट, करेक्ट। ऐसे हजारों बातें लोग हमारे को, उस टाइम कोई रिजल्ट ज्यादा नहीं थे अच्छी, कोई कहता था करोड़पति हो कोई, करेक्ट, नहीं है सर, कोई गाड़ी है, मैं हीरो होंडा पैशन है सर, मतलब उस टाइम वही था, कुछ भी नहीं होता था उस टाइम। लेकिन आज जिस कॉन्सेप्ट को मैं कर रहा हूं एसलीपीएस वेलनेस को, 7.5 साल हुए हैं आज में, और उस टाइम के जमाने में जमीन आसमान का फर्क था। करेक्ट। जैसे
कि आज हम पूछें, कोई पूछे आपको कोई करोड़पति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसलीपीएस का करोड़पति हर शहर में बैठा हुआ है। लगभग 150 करोड़पति एसलीपीएस वेलनेस ने पैदा किए हैं। 190 डायमंड है, 50 लाख से ऊपर की इनकम वाले 190 लोग हैं। तो आप हर जगह प्रमाण दिखा सकते हो कि भाई आज ये अचीवमेंट है। कोई कहता गाड़ी है तो आज तो आप पूछ सकते हो भाई ब्रांड बता, सही बात, कौन से ब्रांड में बैठना है, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज जी क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू X5, नाम बता। आज लगभग 170 से 80 गाड़ियां लग्जरी ब्रांड एसलीपीएस वेलनेस का हिंदुस्तान के अंदर घूमता है। करेक्ट। उसके अलावा कोई रिजल्ट पूछे, कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट है, हमने पर्टिकुलर कंपनी ने किसी डिजीज के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन आयुर्वेद में इतना चमत्कार है कि आज आप YouTube खोल के देखोगे तो ऐसे आप उड़ा सकते हो कि भाई अस्थमा का, एलर्जी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेट खराब, माइग्रेन, थायराइड, जॉइंट पेन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, लाखों की संख्या में आपको रिजल्ट, करेक्ट, रिजल्ट मिलते हैं। आज लगभग 1500 केस तो ऐसे हैं जिनकी शादी को 20-20 साल, 30-30 साल हो गई, बच्चे नहीं थे। जिसका 20 साल से बच्चा नहीं है उसके घर में, उसके घर पर क्या बीतती होगी। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से, हमने कोई बच्चा पैदा करने प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन आयुर्वेद हमारी बॉडी को सूट करता है, उनको यूज करने के बाद आज 15 से 2000 केस ऐसे हैं जिनके घर में आज एसलीपीएस के प्रोडक्ट की वजह से संतान आई है। आइए सर, तो आज तो एसलीपीएस वेलनेस को जहां भी करने जाएं लोग, तो 90% लोग पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आगे, पहले आने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है सर। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया था, आपको बताऊं सर। एक बार मैं जयपुर में जब काम करना स्टार्ट किया, शुरू में खुद भी नया था, मैं गोल्ड रैंक पे ही था एसलीपीएस में, 2015 की बात है, और मैं विद्याधर नगर में किसी प्लान दिखाने गया। बड़े बुजुर्ग सज्जन थे, मैंने प्लान दिखाया तो उन्होंने बड़ा मेरे ध्यान से मेरा प्लान सुना, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब भी देखो सर, इम्यूनिट हो गया, अस्थमा में काम आता है, ये थंडर ब्लास्ट है, ये उसमें आता है, ये उसमें आता है। मैंने जब जिस चीजें मैं बताई उनको हर आइटम के बारे में और बिजनेस के बारे में, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मैं मन ही मन खुश हो रहा हूँ। आज तो अपना काम हो गया, जॉइनिंग फिक्स है। जब पूरा प्लान खत्म हो गया, मैंने सर यहाँ पे शुरुआत करने के लिए आपको एक किट लेना होता है हमारे को, और ये एजेंट किट है, और ये प्रोडक्ट लेने आपको होते हैं जो वन टाइम आपको एक मिनट पेमेंट देना होता है। ऐसे लास्ट जब मैंने जॉइनिंग की बात करी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया, दिलीप जी आपने बोला आप फौजी आदमी हो, जी हाँ मैं बोल फौजी आदमी हूँ। बोला आपने 16 साल नौकरी करी, जी हाँ जी मैं नौकरी करी। बोला नौकरी के दौरान छुट्टी आ जाया करते थे, बी बच्चों से मिल लिया करते थे, माँ बाप से मिल लिया करते थे, और अब आप काम करने लगे ये आयुर्वेदिक वाला, ये दवाई वाला काम होने लग गए, और इसको कोई खा के मर गया तो 16 साल की जेल होगी और छुट्टी भी नहीं मिलेगी। और बी बच्चे छोड़ो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा जेल के सलाखों के अलावा। मैं इतना नेगेटिव हो गया उस बात से, मैं आगे एसली पे छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना भाई। क्योंकि भाई बोले क्या हो गया, मैं बोला मुझे जेल दिखाई दे रही है। अपलाइन फोन आया, सर कहाँ पे हो, मैं सर मुझे जेल दिखाई दे रही है, मैं हर जगह मुझे जेल दिखाई दे, मैं नेगेटिव हो गया। पर गुरु गुरु ही होता है, तो लोगों ने समझाया, मतलब संजीव सर ने मुझे समझाया कि बेटा इस आयुर्वेद से खाके आज तक कोई मरा नहीं और ना कोई मरेगा, तो चिंता मत कर, गारंटी मेरी है। और उस टाइम की वो बात है और आज की बात है, आज तक कभी कोई मरना तो दूर की बात है, किसी उल्टी दस्त भी नहीं हुई, और आज इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया। समझाते हैं दिलीप सर, वहां बोलते लोग तो कहने का मतलब है कि नए लोगों, ये होता ना भाई, पहले आगे तो हो गया, पहले कितना कितने कष्ट झेले हैं, कुछ सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था, वो है नहीं। नए वाले लड़कों बच्चों के लिए मैं यही बताऊंगा कि दोस्तों, ब्रांड को प्रमोट करना आसान होता है, नई चीज को ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ब्रांड को सब जानते हैं, आप आराम से उसे प्रमोट कर सकते हैं। लोग तो सलाह देने वालों की बात करो तो दुनिया यही कहती है, भाई तू मुझे मन से कहा मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके, मेरी खाल ऐसी नहीं सिकुड़ी, और मैंने दुनिया देखी है, और उसे पूछ लिया जाए कि पासपोर्ट कहां बनता है तो उसे पासपोर्ट ऑफिस का पता नहीं होता। तो हिंदुस्तान में ये चीजें चलती रहती है, उनसे ना घबराएं, आप अपने अपलाइन पर भरोसा करें, वो जो बता रहा है वो बेस्ट बता रहा है। दूसरा सर क्या, इतना प्यारा रास्ता है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों में लाइफ चेंज होती है, एक गरीब इंसान या अमीर इंसान बन जाता है, एक जीरो इंसान यहाँ पे हीरो बन जाता है, फिर भी लोग इस रास्ते पर ज्यादा तवज्जो देते नहीं, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते, फोकस करते हैं नौकरी के ऊपर, छोटी मोटी दुकान के ऊपर। तो ऐसा सर क्या कारण है कि लोग इस रास्ते अभी भी फोकस नहीं कर पा रहे, नौकरी फोकस ज्यादा कर रहे हैं? उसका रीजन है सर, देखो नौकरी जो शब्द है ना, मैं आपको आज इसकी डेफिनेशन बताता हूं, ये शुरू कहां से होता है जी। आज जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं,
जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाता है, तो एक माँ उसे क्या कह के जगाती है कि बेटा जग जा, पढ़ ले, नौकरी लग जाए। करेक्ट, यस, हाँ, बड़ा होकर नौकर बन जाएगा। उसका पापा भी यही कहता है। करेक्ट। और यहां तक स्कूल में जाए तो टीचर भी यही कहता है कि पढ़ लो, कहीं जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहो। करेक्ट, सही बोल रहा, सही कह रहा हूं, सही कह रहा। क्या आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे को यह कह के जगाया कि बेटा जग जा, पढ़, तेरा दिल करे उस काम को करना? नहीं बताया। अब आप बताइए कि बचपन का एक जो शब्द हमारे ऊपर डलते हैं उनका क्या फर्क पड़ता है, वो मैं आपको एक दो एग्जांपल से बताऊंगा। कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, वो जब स्कूल में गए तो उसके टीचर ने एक चिट्ठी दी कि भाई ये चिट्ठी अपनी मम्मी को दे देना जाकर के। उसने अपनी माँ को दी, पढ़ा तो उसने पूछा क्या लिखा है माँ इसमें? इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है और इसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, और इसे हम स्कूल नहीं पढ़ा सकते, आप अपने घर रखना, आप ही पढ़ा सकती हो इसे। ओके, अच्छा ये लिखा है, तो उस बच्चे ने इस बात को मान लिया, टीचर कह रहे कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, तो वो बड़े साइंटिस्ट बने। लेकिन जब वो उसकी माँ खत्म हो गई तो उसने वो चिट्ठी एक दिन ड्रॉवर में मिल गई और पढ़ के देखा, तो उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं जानता, इसका दिमाग नाम की चीज नहीं, इसके अंदर इसे स्कूल नहीं भेजना है। बचपन की बात। अब हमारे ऊपर ये शब्द एक बार नहीं, करोड़ों बार उस कच्ची मिट्टी पर, छोटा बच्चा क्या होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उस पर करोड़ों बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पढ़ ले नौकरी लगेगी, पढ़ ले नौकरी लगेगी, पढ़ ले नौकरी लगेगी। करेक्ट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में लिख दिया गया था तेरा बाप चोर है, तो हमारे माथे पर लिख दिया गया कि तू नौकर है। नौकर, सही है। अब इस नौकर वाली प्रथा को हटाना है। नौकरी करता क्यों पता है? क्यों? बड़े प्रयास से मिली है। बड़े प्रयास से मिली, सही बात। बड़े इंटरव्यू दिए हैं, बहुत कॉल फॉर्म भरे हैं, लाइन में लगा है, उसके बाद वो नौकरी मिली है। अफर्ट करे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग फ्री में मिलती है, फ्री मिलती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नहीं करता है, और वो नौकरी उसके माइंड पर छपी हुई है। करोड़ों का धंधा मिलने के बावजूद भी लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि वो जो छपा हुआ है, और इसे मिटाने के लिए उस बंदे को कम से कम 20-30 बार अपने माहौल में लाना पड़ेगा। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। तब जाके उसको ये समझ में आए। सर, इस बात से मुझे भी एक बात याद आ गई कि मेरे दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे वो भी आर्मी में थे, मैंने खुद 16 साल की आर्मी की जॉब करी है, तो मैं इस बिजनेस को मतलब इतना सीरियस इसलिए ले पाया कि मुझे एक रास्ता दिखाई दिया कि अब दिलीप तेरा खानदान नौकरी वाला है और तू अपने घर का ऐसा चिराग बन सकता है कि तू अपने घर को रुख चेंज कर सकता है और नौकरी से बिजनेस तक घुमा सकता है। बस ये बात मुझे क्लिक कर गई कि तू ही काम कर सकता है। अगर तेरे दादा ने कोई बिजनेस कर लिया होता शायद तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरे पिताजी ने कोई बिजनेस कर लिया तो शायद तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर तूने अगर बिजनेस नहीं किया तो तेरे बच्चों को वापस दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी। तो मुझे वो बात मुझे क्लिक कर गई थी, और फिर मैंने सर यहाँ पे मतलब अंधा होकर मेहनत करी, ना दिन देखा ना रात देखा ना सुबह देखा शाम देखा, पर हाँ आज ये है कि भगवान ने चाहा अब आने वाली पीढ़ियों को भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रुख चेंज कर दिया है, नौकरी से बिजनेस तरफ कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। मैं तो ये पूरे हिंदुस्तान के माँ बाप को एक संदेश देना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को कभी भी नौकर कह के ना जगाएं। आप अपने बच्चे को जगाएं, प्यार करें, पढ़ाएं, लेकिन उसे बताएं कि बेटा जग, पढ़, और तेरा दिल करे वो करना। करेक्ट। नौकर शब्द का इस्तेमाल आज के बाद ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, इसी नौकरी से एक बात हो जाता है सर, मुझे आज के जो युवा वर्ग है जो भी जॉब की तलाश में है या तैयारी करते हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या संदेश दे सकते हैं अपन? देखो सर, जॉब की बात करें, आज हिंदुस्तान में लगभग 90 लाख स्टूडेंट हर साल पास आउट होकर निकलते हैं। अब कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट है, चाहे पहले कांग्रेस की थी, चाहे किसी और की थी, कोई भी गवर्नमेंट इतने बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। करेक्ट, नहीं दे सकती। मोदी जी खुद कहते हैं कि रोजगार पाओ मत, रोजगार देने वाले बनो, और रोजगार देगा कौन? जो अपना काम करे। करेक्ट। अब ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्ट बनकर उभरेगी, कि जहां से देखो नौकरी पाने जाते हैं तो सबसे पहले लोग क्या मांगते हैं? डिग्री दिखाओ। दिग्री। बिना डिग्री से आपसे बात नहीं करता। डिग्री ठीक है, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। करेक्ट। वैकेंसी कम है तो उतनी लेंगे जितने ले सकते हैं, उनकी भी भाई मजबूरी है, मजबूरी है। लेकिन जो और लोग बचे हैं उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग में
आप कभी भी करियर शुरू कर सकते हैं। यहां ना कोई डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना एज चाहिए, ना जेंडर चाहिए। कुछ भी उम्र में आकर के आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर युवाओं के लिए बताऊं दोस्तों, एक लड़का जब कोई डिग्री कर रहा होता है ना, तो उसके ख्वाब होते हैं कि आने वाले समय में मेरी जेब से पैसा कभी खत्म नहीं होगा, मैं दिल करेगा जब जगूंगा, जो खाऊंगा मेरा मन करेगा, जो पहनूंगा मेरा दिल करेगा। लेकिन ये ख्वाब जब कंपटीशन में नौकरी के में आता है तो वो रजाई में फोल्ड हो जाते हैं। यही एक ऐसा सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर 3 से 5 साल मेहनत करके आप करोड़पति बन सकते हैं, बढ़िया गाड़ी में आ सकते हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। युवाओं के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे कोई नहीं लगता। करेक्ट, सही बोल रहे हो, बिल्कुल इसमें इसका कोई शक नहीं। और आज हमारे पास एग्जांपल है। हाँ, बिल्कुल है। 22-22 साल के लड़के, 23-23 साल के लड़के आज हमारे पास करोड़पति हैं, ऑडी में हैं, मर्सिडीज में हैं, जैगवार में हैं। तो ये हमने अपनी आंखों से देखा है। देखा सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि खास हमें नौकरी से पहले अगर मिल जाती डायरेक्ट सेलिंग, समझा दिया होता तो पता नहीं आज कहां से कहां। अरे मुझे तो 20 साल के लड़के को देख के जलन होती है कभी कभी यार, इसको जिस उम्र में ये बिजनेस मिला, मुझे काश मिल जाता तो मैं और 20 साल स्वर्ग जैसी जिंदगी जीता। करेक्ट, सही बोल रहे सर आप। सर अब एजुकेशन की बात चल रही थी युवा वर्ग के लिए, तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में जो ये रास्ता है, जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म जो है डायरेक्ट सेलिंग का, लोग यहाँ पे एजुकेशन को या तो लेते नहीं है या समझते नहीं है। ये सोचते हैं यार ये बिना एजुकेशन काम चल जाएगा, कि मैं तो जोड़ दिया, 2 लोग जोड़ दिए, 4 लोग जोड़ दिए, 10 लोग जोड़ दिए, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जरूरत नहीं है कुछ कुछ सीखने के सिखाने की, वो लोग सीखते रहेंगे। तो मेरा मतलब सिंपल सा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या एजुकेशन जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन क्या वो जो डिग्री है उसके पास में है, 10th की 12th की बीए की एमबीए की, वो काफी है? नहीं, हर सेक्टर की एजुकेशन अलग होती है। करेक्ट। देखो एजुकेशन को मैं 2 भागों में बांटना चाहूंगा। एक होता है किताबी ज्ञान। किताबी ऐसा नहीं कि किताबों से पढ़ करके लोग बड़े नहीं बनते। सुंदर पिचाई किताबों से पढ़ा हुए हैं, 150-200 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हैं। करेक्ट, कमाते। सही है। ट्विटर के सीईओ हैं अग्रवाल जी, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैथ, अविनम मैथ जो 1 घंटा पढ़ाने के 1.25 लाख रुपए लेते हैं जी। सही है। फिजिक्स बल्ला एक यूट्यूब चैनल की कीमत 8500 करोड़ रुपए है। पढ़ाई से बहुत बड़े लोग बनते बनते साइंटिस्ट। जितनी भी हमारी दुनिया में क्रिएशन होती है, जो आज हम देख रहे हैं, ये हमारे पीछे एलईडी लगी हुई है, ये कैमरे हैं, ये जितने भी लैपटॉप हैं, ये सब किसकी देन है? साइंस की, पढ़े लिखे लोगों की। करेक्ट, सही है, सही है। लेकिन पढ़े लिखे ऐसा नहीं है कि जो इंसान नहीं पढ़ा वो बड़ा नहीं बन सकता, ऐसा भी तो नहीं लिखा। हाँ, किताबों का ज्ञान अलग है, एक ज्ञान होता है, एक एजुकेशन होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोगों को पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पॉपुलरिटी मिलती है, क्योंकि किताबों का जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो किसी कमरे में किया जाता है, आविष्कार शांत जगह पर किया जाता है, और प्रैक्टिकल ओपन में किया जाता है, किसी अखाड़े में किया जाता है, किसी क्रिकेट ग्राउंड में किया जाता है, किसी हॉल में किया जाता है। जैसे बॉलीवुड और स्पोर्ट्स की दुनिया में हम देखें, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप 10 साइंटिस्टों के नाम बता सकते हैं? नहीं बता पाए। 10 इंजीनियरों के नाम बता सकते? नहीं बता सकते। लेकिन मैं 10 सुपरस्टारों के नाम पूछूं तो बता सकते हैं। तो उनमें से आप जानते हैं अक्षय कुमार 12वीं तक 3 बार फेल हूं। करेक्ट। कई सारे सचिन जी 10th फेल हैं, विराट कोहली 11 पास है, करिश्मा कपूर 5 पास थी, आलिया भट्ट भी ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सेलिब्रिटी हैं जो अरबों रुपए कमाते हैं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन बहुत कम है। किताबों वाली एजुकेशन किताबों से नहीं होती। अब आप मुझे बताओ कि आपको अपने बच्चे को डांसर बनाना है तो आप किताब पढ़ाएंगे या नकल कराएंगे? नकल कराएंगे। आपको पहलवान बनाना है तो आप किताब पढ़ाएंगे या नकल कराएंगे? नकल करवाएंगे सर। नकल करवाएंगे। आपको अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना है तो आप किताब पढ़ाएंगे या नकल कराएंगे? नकल करवाएंगे। एक्टर बनाना है? नकल करवाएंगे। सिंपल बात है। सिंपल बात। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, यहां पर एजुकेशन है, प्रॉपर है, उसके बिना काम ही हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। जैसे लिस्ट, इसकी एजुकेशन है। करेक्ट। ये पैरामीटर्स है, हमारे गुरुजी बताते हैं पैरामीटर। पैरामीटर्स है। तो इनको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, हर सिस्टम के, हर फील्ड के पैरामीटर्स होते हैं जिनको इंसान को फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर्स हैं, लिस्ट बनानी पड़ेगी, गोल बनाना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, सौदा प्लान करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन का सलूशन देना पड़ेगा। जब तक आप ये एजुकेशन नहीं लेंगे, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं दिलीप सर,
आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप दूसरी चीज में मास्टर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो यहां काम नहीं आएगी। करेक्ट। अब आपने इंजीनियरिंग की है लेकिन आपको तो कुश्ती लड़नी है, तो कुश्ती की एजुकेशन अलग है ना, अलग है उसकी। तो सेम ऐसे अलग फील्ड होता है, यहां की एजुकेशन जो है वो दी जाती है और वो लेनी पड़ेगी, तभी सक्सेस हो सकते। सही, करेक्ट, सही बोल रहे हो सर आप। एजुकेशन इस फील्ड की चाहिए चाहिए, बिना एजुकेशन बड़े बन भी नहीं सकते। और क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को हम सिखाते भी हैं कि भैया एजुकेशन हर फील्ड में जरूरी है, तो इस फील्ड में जरूरी है। सर इसी साथ एक बहुत बड़ा सवाल है मार्केट में आज। कुछ लोग थोड़े से यहाँ पे काम करते हैं, उनको एक रैंक मिल जाती है, थोड़ी इज्जत मिलती है, थोड़ा एक नाम बना लेते हैं। जैसे थोड़ा नाम बनता है, बोलते हैं जी अपने अपनी कंपनी खोलेंगे हम, तो और अपनी कंपनी खोल लेते हैं। और वो लोग मतलब नए जो बच्चे होते हैं उनको टैक्स उतार देते हैं, मतलब कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें बड़ा बना दूंगा, मेरी कंपनी में आ जाओ, जबकि उन्हें कोई अभी अस्तित्व भी नहीं है, कुछ है भी नहीं। तो जो नए लोग कंपनी खोल लेते हैं, मैं सर आपसे पूछता, चलो आज आज आपके 20 लाख लोग फॉलोवर्स है, 20 लाख लोग जुड़े हुए आपके डाउन के अंदर, आज पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम है, टॉप 10 में आते हो, आप कंपनी क्यों नहीं खोल लेते सर? दिलीप सर ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या कंपनी का MD बन गया, डायरेक्टर बन गया, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे जिंदगी में, मैं अपना बताऊंगा एक्सपीरियंस, मुझे पूरी लाइफ में कभी भी मैं कंपनी खोलने के बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं सोचूंगा क्यों? उसका रीजन बताता हूं। मुझे कोई अच्छे प्रोडक्ट बना के दे रहा है, पैसा टाइम से दे रहा है, एजुकेशन सिस्टम दे रहा है, कोई जरूरत होती है हेल्प हो रही है। Correct. जब बहुत सारे लीगल इश्यू होंगे, बहुत सारे इनकम टैक्स का, GST का, स्टाफ का कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन सारे झंझटों में मैं क्यों पढ़ू? क्यों पढ़ू? जब मुझे सिर्फ बात करके पैसा मिल रहा है और अपने घर आराम से मस्त रहता हूं, फिर मैं झंझट में क्यों पढ़ू? आप बताइए। वो सर लोगों को सोचते हैं कि बस तो रात रात अमीर बन जाते हैं। नहीं नहीं मतलब इधर डाल लो, बोलते हैं कहावत मैंने सुनी आपने भी, भाई मशीन है कोई डायरेक्ट सेलिंग, इधर से डालो आलू इधर सोना निकल जाएगा बनके। ना ना देखो हमने संजीव सर को देखा है एसलीपीएस वेलनेस में, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यार मजे तो तुम ले रहे हो। सही है, मुझे तो तुमने गर्म तवे पे बिठा रखा है, चार चार महीने छह छह महीने अपने घर नहीं आते सर। नहीं आते बिल्कुल सही है। बहुत मैंने आज तक बहुत सारे लोगों की कंपनियां चलती हैं, लेकिन इतना डेडिकेशन, इतना जो जुझारूपन है वो किसी में नहीं देखा सर। मैंने खुद अपनी लाइव आंखों से देखा है। हमारी जयपुर में ट्रेनिंग थी गोल्ड प्लेस के अंदर, एक ट्रेनिंग थी 10 कदम ट्रेनिंग, तो संजीव सर को हमने इन्वाइट किया। संजीव सर दिल्ली से गाड़ी लेके आए, 2017 की बात है, और होटल में ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग दी, हमें काम को सिखाया, और उनके परिवार केवल 20 किलोमीटर दूर जयपुर में रहता था, तो परिवार पास में नहीं आई, वहीं से गाड़ी यू टर्न लिया वापस दिल्ली पहुंच गए। तो ऐसा स्ट्रगल मैंने जिंदगी में नहीं देखा सर। और जो नए लोग कंपनियां खोल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, दोस्तों अच्छा है आपके मन में आइडिया आया है, आपको बड़ा बनने की चाहत है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों बिना एक्सपीरियंस के दुनिया में किसी भी काम को करना है ना, तो बिना एक्सपीरियंस के नहीं होता है। आपको शौक है नई कंपनी खोलने का तो आप खोलें, 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप करके आना, देख के आना, घूम के आना, अपने आप को अजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार तो फिर हमारी गले आ जाना। सही है, तो ये घूम के आएंगे सर, कहीं कुछ नहीं है। हमने बहुत कंपनियां खुलते हुए देख ली हैं और बंद होते देखी, बंद होते हुए हमने अपनी आंखों से देखी, आंखों से देखी। एसलीपीएस के प्लान लेके आए, एसलीपीएस प्रोडक्ट बना के लेके आए, और 4-6 महीने बाद में पता नहीं कहां चले गए। एसलीपीएस का तो इसलिए बनाते हैं कि देखो कॉपी हमेशा ब्रांड की जाती है, कांड की तो होती नहीं, कांड तो बंद हो जाते हैं या केस हो जाते हैं, कॉपी हमेशा जो होती है वो किसी ब्रांड की होती है। Correct. और एसली इसकी कॉपी हो रही है, अच्छी बात है, ये तो ब्रांड है। करेक्ट सर, से बोला आपने। सर एक मेरा मतलब सवाल है, और एक मतलब लोगों ने, कई लोगों ने मुझे स्पेशल इस सवाल को भेजा था कि आज आप हम लोग एसलीपीएस वेलनेस कर रहे हैं, तो एसलीपीएस में जो है कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब कि एसलीपीएस ही क्यों चूज करें? और बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो पुरानी भी है, कई दिन भी हो गए काम चलते हुए, ऐसा आखिर एसलीपीएस में क्या है, यानी कि वाई एसलीपीएस? Okay. एसलीपीएस ही क्यों? देखो मैंने कई सारी कंपनियों के प्लान व्लान देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो उन घोड़ों पर दाव लगाती हैं जो दौड़ना जानते हैं। करेक्ट, सही है।
अब दौड़ने वाले घोड़े को तो हर आदमी प्राइस दे देता है, और डायरेक्ट सेलिंग बोली जाती है कि हर आदमी के लिए, तो हर आदमी के लिए कैसे हुई फिर? एसली पेस बैलेंस एक ऐसी कंपनी है जहां हर व्यक्ति को उसके काम का पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है। कैसे? जैसे मान लो कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी दी गई, तो आप उस दूरी को 5 मिनट में तय कर लेते हैं, तो उसका जो प्राइज है वो आपको दे दिया जाता है। करेक्ट। और कंपनियों में जो उसी ड्यूरेशन में उस दूरी को तय करेगा उन्हीं को प्राइज मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। बाकी को नहीं मिलेगा। कई कंपनियों में ऐसा भी है कि आपके नीचे कोई अच्छा लड़का काम करने वाला आ गया, आपसे अच्छा, तो आपकी इनकम को भी खा जाता है। ऐसा क्यों भाई? बच्चा मैंने पैदा किया, पेड़ मैंने लगाया, तो उसके फल मुझे मिलने चाहिए या किसी और को? अपने मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि एसली पेस वेलनेस ये कहती है कि किसी ने यदि मेरा 1000 रुपए का प्रोडक्ट भी सेल किया है तो उसे वो पैसा मिलेगा। मिलेगा। 5 किलोमीटर कोई 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में पैसा लेके जा, कोई 20 मिनट में आ रहा है, 20 मिनट में लेके जा, 1 घंटे में आता है, 1 घंटे 10 घंटे में आता है वहां, तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि दूरी तो उसने भी तय की है। तय करी है। करेक्ट। क्योंकि दोस्तों हमारे साथ लेडीज भी काम करती हैं, बुजुर्ग भी काम करते हैं, और कोई हैंडीकैप्ड भी काम करता है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति की बराबर दौड़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। यही कारण है कि एसली पी एस में आज जो ग्रोथ है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एसली पी एस वेलनेस उन सभी लोगों को बराबर का हक देती है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने आए हैं, या किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। मेन काम। और दूसरा क्या है किसी कंपनी को करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए सर? सबसे अच्छा प्रोडक्ट। बिल्कुल। प्रोडक्ट जो होता है वो किसी कंपनी का बैकबोन होता है। प्रोडक्ट अच्छा है तो रिलायंस चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है तो टाटा चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है तो बाटा चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है तो जियो चल रहा है। यदि प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप एक बार बेच सकते हैं, दोबारा नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। आज हमारे प्रोडक्ट जो हैं, जो संजीव सर ने बनाए, मैं यही कहूंगा प्रोडक्ट नहीं है, संजीवनी बूटी है। जिसके भी घर में चले जाते हैं वहां से पैसे के साथ दुआ जरूर आती है, जरूर। और दुआ दिलीप सर आपको पता है वहां काम करती है, ना पैसा काम नहीं करता। करेक्ट। तो सबसे बड़ा रीजन है एसली पेस वेलनेस को करने का दुआ, प्रोडक्ट का रिजल्ट और दुआ। आज दुनिया भर के रिजल्ट हैं, शायद मैं बताने लग जाऊं तो 4-6-10 घंटे लग जाएंगे, इतने रिजल्ट हैं हमारे पास। बिल्कुल है सर, मैंने अपन लाइव आपको देखा है, यूट्यूब भरा पड़ा रिजल्ट हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, एसली पेस को करने के और भी कारण हैं। आपने अब तक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या बड़ी कंपनी में किसी में दीपावली का बोनस बढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा। हमारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, लोग कहते हैं जोड़ने वाला, चैन बनाने वाला काम है। आज हमारी कंपनी हर फाइटर के घर में मिठाई भिजवाती है, भिजवाती है। और एक जो मैंने किसी सरकारी संस्थाओं में भी नहीं देखा, ऐसा बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं उनमें भी शायद ऐसा नहीं है, जो हमारी एसलीपीएस फाउंडेशन करती है। करेक्ट। सही है। हमारे जाने के बाद इस दुनिया में हमारे बच्चों को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता सर। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसी संस्था है कि एक लेवल दिया हुआ है, उससे ऊपर 5वें लेवल से लेकर के 11वें लेवल तक यदि किसी की अननेचुरल डेथ होती है तो उसके परिवार वालों को उसके रैंक का अमाउंट और उसके बच्चों को 12th क्लास तक का एजुकेशन का खर्चा एसलीपीएस वेलनेस दे दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की फीस भरता है वो कंपनी नहीं है, शायद हमारा बाप हो सकता है या हमारी माँ हो सकती है। इसलिए एसलीपीएस वेलनेस को करना चाहिए। करेक्ट। सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल। और इसी बात को मैंने तो लाइव आंखों से देखा हुआ है कि मेरे दो साथी थे सर जो पिछले कोरोना काल में भगवान प्यारे हो गए, पर आज उनकी जो आईडी थी उनकी वाइफ के नाम हो गई और आज उनमें से एक डायमंड है और एक स्टार सफायर है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके नहीं रहने के बाद उनके परिवार को कंटिन्यू पैसा आज जा रहा है सर। आप सोचो ना सर, मेरे पास जो गणपतलाल मीना जी थे 9 जुलाई 2020 को खत्म हुए और आज लगभग 18 महीने उन्हें खत्म होते हुए हो गए, उनकी वाइफ के अकाउंट में लगभग 78 लाख रुपए गए। बहुत बढ़िया सर, 78 लाख। 78 लाख जब इंसान नहीं रहने के बाद। उसके अलावा परियार जी थे वो हमारे कंपनी में जब एक्सपायर हुए तो उनका इनकम लगभग सफायर रैंक पे थे, हाँ बनने वाले थे, मतलब 20 लाख इनकम, 20 लाख। आज डायमंड है, 50 लाख से ऊपर की इनकम है, घर में हर महीने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जा रहा है। कौन देता है? जान अरे अपने नहीं देते,
ये तो कंपनी है, सही बात है। इसे तो लोग जोड़ने वाला कहते हैं। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं, यही एक ऐसी है जो हमारे माँ बाप का रोल निभाती है, इसलिए असली पेस बैलेंस को करना है। सर एक्चुअली मैं आपकी जो बातें सुनने को मिलती है, लोग तो पता नहीं कितने एनर्जी हो रहे हो, मैं खुद आप साथ में रहता, मुझे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इसमें वो देखा ना पुराने जमाने में भगवान की फोटो वगैरह देखते हैं या टीवी देखते हैं कि कोई बड़े महान हस्ती होती है, पीछे एक ओरा चलता है, एक चलता नहीं जी जी हाँ पीछे से जी। तो आपके साथ जब मैं बैठता हूँ मुझे खुद को ऐसे लगता है सिर्फ ओरा चल रहा है आपके पीछे, और मुझे खुद को एक पॉजिटिव बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अब वो आपके अंदर ही है सर वो काबिलियत, कैसे मुझे मतलब एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो मतलब ऐसा लगता है साक्षात आप एक कोई बड़े महान इंसान हो, पीछे आपको एक ओरा चल रहा है घूमता हुआ और उससे पॉजिटिव एनर्जी मुझे वेव्स मिल रही है, ऐसे मेरे सभी लोगों को मिलती है आपसे सर। पर सर साथ ही बात ये भी थी, क्योंकि तो टाइम कम है, कि आप जो है जीरो से हीरो बने, आज आप एक हीरो हो मतलब इंडस्ट्री के अंदर, बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ी पहचान है, तो सर आपकी जो हीरो की जो लाइफ स्टाइल है आज, क्या सी लाइफ जीते हो आज, थोड़ा सा हमारे दोस्त जानना चाहेंगे आज आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में। दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल तो बहुत अलग है, लेकिन मैं अपने स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं एक बहुत साधारण परिवार में, किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है, और कच्चे घर में जन्म हुआ था। और एसलीपीएस वेलनेस को जब मैंने ज्वाइन किया, जैसे आप कह रहे हैं कि एक ऑरा चलता है, ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था तो बहुत बड़ा धनुधर बन गया था, ये मानने के ऊपर। आप किसी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श मान लो ना, तो आप जैसे मेरे घर में संजीव सर की फोटो लगी है, करेक्ट, मैं सुबह देख के उन्हीं को नमस्कार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो आदेश दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मुझे दिशा दे रहे हैं, मुझे उनके सामने कभी झूठ बोलने का मन नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे रोज हर टाइम देख रहे हैं, तो मुझे कभी गलत काम करने का मेरा कभी मन ही नहीं होता, सोच ही नहीं आती, सही बोल रहे हो, 24 घंटे मुझे देखते हैं। अब उनकी वजह से आज मैं बताऊं कि लाइफ स्टाइल ऐसी है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं छोड़ो मेरा पूरा खानदान नहीं सोच सकता था। जी, मेरी माँ जरूर कहती थी बचपन में, मैं जब पूछता था तो बताती थी बेटा तेरे हाथ में ना सरकार का खजाना है। अच्छा, तो 35 साल हो गए थे इस बात को, मैं पूछता था माँ खजाना कहाँ है, बेटा पता नहीं है तो सही, तेरे ताऊ जी ने हाथ देखा था उसमें बताया था। तो मेरी आर्मी में नौकरी लगी तो मुझे लगा शायद यही खजाना होगा, खजाना होगा। लेकिन जब संजीव सर से मुलाकात हुई तो सर ने मेरे से बड़ी एक बात कही थी कि यार रामवीर तू करोड़पति बन सकता है। तो मैंने कहा सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, क्योंकि गरीबों के घर में करोड़पति कहना बहुत बम गिनने के लायक लगता, ऐसा लगता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर ने कहा सुनता तो कुछ सुन ले, लेकिन मुझे एक ये चीज फील आई, फीलिंग कि यार जिस माँ ने जन्म दिया उसे मुझ में करोड़पति नहीं दिखा, पापा ने उनको नहीं दिखा, भाइयों में नहीं दिखा, बहनों ने नहीं देखा, रिश्तेदारों ने देखा, शादी वालों ने भी देखा करोड़पति है या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि यार पूरे रिश्तेदारों में किसी को नहीं लगा कि मेरे अंदर करोड़पति है, इनको कैसे लगा। चलो लगा तो क्या पता, करोड़ नहीं कमाए लाखों कमा लिए तब भी अपने परिवार के लिए बहुत होंगे, और मैंने इस काम को करना शुरू किया। दिलीप सर आज एसलीपीएस वेलनेस की वजह से मैं एक आम जिंदगी होती है और एक होती है मेंटोस जिंदगी। तो आर्मी तक तो मेरी जिंदगी आम थी जी, मेरी मर्जी का घर नहीं, मेरी मर्जी का जन्म नहीं, मेरी मर्जी का स्कूल नहीं, मेरी मर्जी के दोस्त नहीं, मेरी मर्जी के कपड़े नहीं, मेरी मर्जी की नौकरी नहीं, करेक्ट, सही है, मेरी मर्जी का कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। लेकिन जिस दिन एसलीपीएस को ज्वाइन किया अपनी मर्जी से किया, किसी को नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानता था मैं अपनी मम्मी के पास भी जाऊंगा, पापा तो थे नहीं, कि मम्मी मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं, थोड़ा इस पर कायर कागज पर साइन करना, तो माँ यही पूछती बेटा बहकी बहकी बात क्यों कर रहा है, करोड़पति तू कैसे बन सकता है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया और इसे करना शुरू किया। 18 महीने मैंने पार्ट टाइम किया आर्मी में रहकर, और आर्मी में बहुत बिजी लाइफ होती है, फिर भी मैंने करीब 18 लाख रुपए की इनकम यहां से की थी पार्ट टाइम, वाइफ के नाम से आईडी थी, वाइफ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस में, जो मतलब जितना भी काम मैं कर पाया हूं उसकी वजह से कर पाया हूं, क्योंकि घर की सारी चीजों को उसने अपने ऊपर लिया और बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ा। और 1 अगस्त 2016 को जब मैंने आर्मी को छोड़ा, तो आज एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी का मैं कंपैरिजन करूं तो शायद ये है कि मेरी समाज की मर्जी से जन्म हुआ था तो कच्चे घर में हुआ था, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से काम करता हूं तो 5 करोड़ के पेंट हाउस में जयपुर में रहता हूं। बहुत बढ़िया,
समाज की मर्जी से स्कूल जाता था तो नंगे पैर जाता था, साइकिल भी नहीं होती थी, लेकिन आज अपनी मर्जी से काम करता हूं, एसली पेस बैलेंस पे काम करता हूं, तो ऑडी और जैगवार में चलता हूं, सब्जी भी ऑडी से आती है। बहुत बढ़िया सर, दैट्स गुड। और पैसे की बात करूं तो मेरी जो जॉब लगी थी वो 5,000 रुपए महीने थी, वो मेरी मर्जी से नहीं थी। हाँ। लेकिन आज मैं एसली पेस को अपनी मर्जी से करता हूं तो यहां पर लगभग 25 से 30 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो गोविंदा जी वाला गाना है, अच्छा आपने सुना होगा, कि आज जिंदगी ऐसी है, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे वहां जाऊं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे ये पीऊं, मेरी मर्जी। मतलब आज मर्जी की जिंदगी है, सही है, किसी की दी वो नहीं है, अरे मर्जी की है। हम कब जग रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी जिंदगी को स्वर्ग कहा जाता है, करेक्ट, जहां आप पर कोई कंट्रोल ना, कंट्रोल ना, है ना। तो ये एक सिस्टम में ढली हुई चीज है, जिंदगी है, जिसे करके बड़ा एंजॉय आ रहा है। मतलब मैं कहूं कि कभी कभी ऐसा लगता है, रजाई में मुंह दे के हंसता हूं कि यार इतने पैसे आते भी हैं क्या, लेकिन एसली पी एस बैलेंस है, आज आते हैं तो आते हैं। और थैंक्स संजीव सर, आपने इतना ग्रेट प्लेटफॉर्म बनाया, इतना प्यार दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना आशीर्वाद दिया, कि आपकी वजह से आज ये हम हैं, तो आपकी वजह से, करेक्ट, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, ये 100% सत्य है कि आज गुरु जी का आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम तो एक आर्मी पर्सन थे, नॉर्मल जिंदगी जीने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक अभी आप जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, बात बोल रहे थे मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, यानी गोविंदा वाली, तो आप वाकई में आप एसली पेस के, मैं गोविंदा तो नहीं कहूंगा पर ये जरूर कहूंगा, आप एसली पेस के कुमार विश्वास पक्का हो सर। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को मैंने यूट्यूब पे सुना है, तो जब उनको सुनता हूं और कभी आपको सुनता हूं तो मुझे बिल्कुल नजर ही नहीं आता कि कुमार विश्वास वो है या आप है। मुझे लगता है कुमार विश्वास आप ही हो, मतलब आपकी सेम डिट्टो आवाज आती है, और आपके कई सारे जो कवि वाले जो मतलब वाणी होती है, जो लोग मतलब मूत्र हो जाते हैं ना, मूत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब एक खो जाते हैं अपने आप के अंदर, तो वाकई में अल्टीमेट है। तो सर आज आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट में जरूर करूंगा आपसे, एक आपके एक वो मतलब शायरी है या वो कवि वाली लाइन है कि भटकना जिनकी आदत है, तो सर आपके मुंह से एक बार पढ़ सकते हैं। हाँ, ये किसी है, मेरी लाइन नहीं है, ये किसी कवि की है, लेकिन मैं सुना देता हूं कि भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, सुपर मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों ये हमारे रामवीर सर थे, बहुत सारी बातें हैं, पर कोई टाइम का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बातें बहुत सारी है। बाकी से गुरुजी आपका बहुत मुबारक हो इस आज के इवेंट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छा लगा आज हमारे सभी लोगों को, व्यूवर्स को, और आपकी जो अचीवमेंट को भी आज पता है कि काफी सारी बड़ी अचीवमेंट आज आपकी, हिंदुस्तान के टॉप 10 में आए हो तो ये बहुत बड़ी बात है सर। लोगों को 20-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, क्योंकि बुजुर्ग हो गए आज, पर टॉप 10 में नहीं आ पाए, तो आपने बहुत बड़ी मुकाम हासिल करी है, कोई शक नहीं। एक बार फिर आपको मुबारक हो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय निकाला हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगली एक और नए काम के साथ और नई जर्नी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़, थैंक यू।